एक स्त्री को अपने पतिव्रत धर्म का पालन अच्छे से करना चाहिए, और जब वो अपने धर्म का पालन ठीक से करती है तो अपने पति के साथ वो वन में भी रहे, वो वहां भी सुखी रहती है। और अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करती तो वो महलों में भी रहे, तब भी कभी सुखी नहीं रह सकती। ये माँ और बेटी दोनों एक नंबर की ड्रामे पास है। चलो कोई तो है जो अपने डायलॉग्स ठीक से याद करके आए, जो स्टेज पे जाने लायक है। वाओ माँ, क्या परफॉर्मेंस था! आई एम सो प्राउड ऑफ यू माँ। बहन जी, आप तो ऐसा बोली, सीधा जाके दिल को लगी है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके। बहुत अच्छा बोले आप। अब आपके सामने पेश है मंथरा जी का किरदार करने वाली दादी मिताली मेहरा, और कई का रोल अदा कर रही हैं पम्मी जी। तालिया तालिया। ऐसे क्यों खड़ी है? ऐसे थोड़ी खड़ी होती थी मंथरा। मंथरा तो ऐसे खड़ी होती थी। आप पे बड़ा सूट कर रहा है, आपको ज्यादा आता है ना, तो आप ही मंथरा का कैरेक्टर कर लो ना, मैं नहीं करती। मैं क्यों करूं मंथरा? मैं तो कहके ही बनी हूं। मेरा काम है तुझ पे हुकुम चलाना। अच्छा, हुकुम चलाना? अगर आपने सीन में मुझे बोला ना कि मेरे पैर दबा, तो मैं उसी वक्त ये कैरेक्टर छोड़ दूंगी। अच्छा, तो जाके बीजी से बोलना, मुझसे क्यों बोल रही है? उनसे क्यों बोलूं? अभी तो हुकुम आप चलाओगी ना, और उस वक्त भी। तो तेरा काम तो सुनना है, समझी? मेरा काम है तुझे सुनाना। चुपचाप सुन मेरी बात। मैं नहीं सुनूंगी। क्यों? Stop it! आप लोगों में से कोई भी अपने डायलॉग्स को लेकर सीरियस नहीं। अगर आप लोग ऐसे ही अपने डायलॉग्स बोलते रहे ना, तो स्पॉन्सरशिप की जगह लोग मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। दी, आपने तो मेरी एक्टिंग देखी नहीं, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है। थैंक गॉड ये ड्रामा खत्म हो गया। लेट्स गो। सरला जी, क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिया। बस ऐसे ही। अच्छा, हम लोग चलते हैं, आप हमें इजाजत दीजिए। अरे इतनी जल्दी खाना खा के जाना ना? नहीं जी, वो घर में कुछ जरूरी काम है, इसलिए बस निकलते हैं। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, आपको छोड़ के आएगा। डायमंड शूटिंग्स, राधेश्याम डाइनर्स, जेबी प्रिंटर्स, एसआरबी कंस्ट्रक्टर्स, तू ये किनके नाम पढ़ रहा है यार? यार अभी मैं ना उन स्पॉन्सर्स के बारे में देख रहा था जो हमारे साथ डील करने वाले। तो मतलब जब मैं पहले इनके पास जाता था ना, कोई डील करने के लिए राजी नहीं होता था, और मान भी जाते थे तो कुछ लाखों में मानते थे। यार कुछ तो बात है प्रकृति में। तू मेरे सामने मेरे ही दुश्मन की तारीफ कर रहा है। तो मैं तारीफ थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ, और देखा जाए तो तेरा ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट? देख, प्रकृति ने चाहे जो भी किया हो, तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, तेरे बिजनेस को टेक ओवर किया, बट इसमें कहीं ना कहीं फायदा भी है। जैसे तेरे को उस एम्प्लॉय के बारे में पता चल गया जो फ्रॉड कर रहा था, एंड ये जो फंक्शन है इसके लिए सारे फंड्स एंड सब कुछ ये भी तो वही अरेंज कर रही है। I'm telling you, उनके पास कुछ तो है, she's got some skills. देख ये सब मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये छोटे मोटे काम मैं नहीं करता। छोटे मोटे काम नहीं करता तो मत कर, पर कम से कम इनका प्रॉफिट तो कमा। प्रॉफिट? तू प्रगति के साथ पार्टनरशिप क्यों नहीं कर लेता? पार्टनरशिप मतलब? देख तू जो अभी कर रहा है देखो वही करना है, बट अगर तू पार्टनरशिप कर लेगा तो तू जितना भी कमा रहा है बाद में उससे ज्यादा कमाएगा। देख मुझे ना उसकी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प किसने? मतलब जिस तरह वो मुझे पाई पाई के लिए रुलाती है ना, दिन रात टॉर्चर करती है, मेरे और तनु के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती है ना, मैं भी उससे बदला लेने के लिए कुछ तो करना चाहता हूँ। कुछ क्या करना है तुझे? तू कुछ मतलब जैसे कि जब वो रोए तो मैं हंसू, अगर वो मेरे सामने अपनी उंगली उठाए तो उसकी उंगली टूट जाए, अगर वो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे तो उसकी आवाज बैठ जाए, जैसे कि वो मुझे टॉर्चर करती है ना वो खुद ही टॉर्चर हो जाए। इतना कुछ सोचने के लिए ना मुझे भी मेरे सब कुछ की जरूरत है। मतलब ये कि मुझे बुलबुल से बात करनी पड़ेगी। मैं उससे एक बार पूछता हूँ उसके दिमाग में अगर कोई आइडिया हो, और तब तक तू भी सोच, तेरे दिमाग में अगर कुछ प्लान आए, कुछ आइडिया है तो तू बता। अरे मैं क्या सोचूंगा इस सब के बारे में? अरे यार दुश्मन की तस्वीर अपनी आंखों के सामने रख, देख कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ और बाद में मिलते हैं। बाय।
तनु को तो हम इतनी अच्छी से जानते नहीं है जितनी अच्छी तरह हम आलिया को जानते हैं। अरे उसकी तो हम रग रग से वाकिफ हैं। तो हमें चाहिए आलिया के लिए कोई प्लान बनाए, ना कि तनु के लिए। दादी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्लान क्या बनाए? वो भी सोचते हैं पुत्र, प्लान बनाने से पहले हमें आलिया की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी जिससे वो सुनकर भड़क जाए। ऐसी तो दो ही चीजें हैं दादी, एक पैसा और दूसरा उसकी शादी जो पूरब से दो बार टूट चुकी है। शादी? बिल्कुल सही, शादी। मतलब? ले बेटा अब मेरा प्लान सुन कि जब सब घर वाले बैठे होंगे ना तो मैं आलिया की शादी की बात सबके सामने करूंगी। उसे सुनकर आलिया जरूर भड़क जाएगी और तू भी उसी वक्त मौके पे चौका मारना, यानी उसको और भड़का देना, फिर देखना क्या आता है। हाँ दादी, और जब मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगी तो उस गुस्से में वो मुझसे बदला लेना चाहेगी। मुझसे बदला लेने के लिए उस इंसान से मिलेगी जो अभी तक उसकी मदद कर रहा है, तभी हम उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकते। दादी आपका ये आइडिया तो सुपर हिट है। जब तेरी दादी सुपर हिट है तो उसके आइडियाज भी तो सुपर हिट ही होंगे ना। अब देख आगे आगे क्या होता है। रॉबिन, रॉबिन। अरे मिताली क्या हो गया है तुझे? अभी दो मिनट पहले तो तुझे वो पानी का गिलास पकड़ा के गया, फिर तू उसे आवाजें लगा रही है। दादी उस वक्त तो प्यास लगी थी ना, अभी मुझे ना बहुत जोर की भूख लगी है इसीलिए आवाज दे रही हूँ उसको। अरे अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुझे इतनी जोर की भूख लगी, जो तू उसे इतनी जोर जोर से आवाजें दे रही? वो ना बहुत देर से बातें कर रही हूँ ना, तो बातें करते करते ना पेट से अंदर को चला गया है इसीलिए। हाँ तो आप ना एक काम करो, जल्दी से कुछ खा लो, कहीं ऐसा ना हो कि दो मिनट के बाद में ना आपका पेट ना आपकी कमर को छू ले सैंडविच की तरह। अरे वाह क्या बात है, सब बहुत खुश नजर आ रहे, लगता है मेरी सुबह की डांट का असर। इंदु। जी दीदी। एक बात बता, तेरे पिंड में कोई अच्छा लड़का है? वो दीदी क्या बात कर रही हो, मेरे पिंड में तो एक से एक गबरू जवान है। लेकिन दीदी आप इस उम्र में जवान मुंडों के बारे में क्यों पूछ रही हो? ओए बकवास मत कर, मैं शादी की टेंशन में हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? किसकी शादी? आलिया की। मैं आलिया के लिए लड़की के बारे में पूछ रही हूँ। दादी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई मीन लाइक शादी तो है, हो जाएगी। बेटा शादी होती नहीं, करनी पड़ती है। पर दादी मैं... तू चुप कर, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटे बीच में बोलते नहीं है, और खासकर शादी ब्याह के मामले में। हाँ इंदु बता, है कोई मुंडा तेरे पिंड अच्छा सा जो आलिया के लायक हो? हाँ दीदी, लेकिन आलिया के लिए नहीं है। क्या मतलब तेरा आलिया के लायक नहीं? ये क्या नई पंचायत चल रही है, इनकी बहस में पढ़ने से अच्छा है इसे दूर से ही देखना। आप तो एक काम करो कि आलिया के लिए बंबई का लड़का देख लो, या हो सके उससे पूछ लो, कहीं उसने पहले से तो नहीं पसंद कर रखा है कोई। ओह प्लीज इनफ इज इनफ, आप सब लोग मेरी शादी को लेकर टेंशन मत लीजिए, मुझे वैसे भी अभी शादी नहीं करनी, और जब करनी होगी ना डोंट वरी लड़कों की लाइन लग जाएगी घर के बाहर। अच्छा तो आलिया तुम एक बार ना मेरे इंटरेस्ट के लिए हाँ बोली दो, क्योंकि मुझे जानना है कि ये किस किस्म के लड़के हैं जो तुमसे शादी करने के लिए यहाँ लाइन लगाने वाले। What do you mean by किस तरह की लड़कों की लाइन लगती है? मुझसे शादी करने के लिए कौन राजी नहीं होगा? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, कौन से लड़के हैं जो तुमसे शादी करने के लिए यूं ही राजी हो रहे हैं? तुम चुप ही रहो, तुमसे बीच में बोलने के लिए किसी ने कहा क्या? मुझे बोलने के लिए यहाँ किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये घर मेरा है। स्वीटहार्ट ये घर तुम्हारा है लेकिन ये फैमिली तुम्हारी नहीं है, और ये एक फैमिली मैटर है, हम सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए बेटर रहेगा कि अपनी राय अपने पास में रखो। आलिया तुम भूल रही हो, ये तुम्हारे लिए फैमिली मैटर है लेकिन मेरे लिए मनी मैटर है। अगर तुम्हारी शादी हो जाती है तो उसमें मेरे पैसे खर्च होंगे, इसलिए मुझे ये जानने का पूरा हक है कि तुम्हारी शादी किस लड़के से हो रही है। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर रही इसलिए तुम्हारे पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं होने वाले। आलिया तुम बात पलट रही हो, बात मेरे पैसों की नहीं और ना ही तुम्हारी शादी ना करने की है। एक्चुअली शादी तुम किसी से नहीं बल्कि कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता। Enough is enough. अरे क्या हुआ?
मेरी बात कड़वी लगी? तुम अपनी हद पार कर रही हो। आलिया वैसे तुम कब तक दूसरों की रिजेक्शन को खुद का शादी ना करने का बहाना बताती रहो? अगर तुमने एक वर्ड भी और बोला तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना आलिया, क्योंकि तुम्हारा पास्ट सब कुछ खुद ब खुद बता देता। तुम तो पूरब से शादी करना चाहती थी ना, दो बार होते होते टूट गई। क्यों? क्योंकि जो लड़का तुम्हें इतने सालों से जानता है वो भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ यहाँ पर कई लोगों को तुम्हारे सेटल ना होने का अफसोस होगा, लेकिन मुझे ना पूरब की लाइफ बर्बाद ना होने की बड़ी खुशी होती है। चुप हो जाओ प्रज्ञा, वरना वरना क्या क्या कर लोगी तुम? तुम बस मुझे अपना घर बसा कर तो दिखा। आलिया शादी दो घरों का दो दिलों का मिलन होता, तुम्हारा घर क्या बसेगा जब तुम्हें दूसरों का घर तोड़ने के अलावा कुछ और आता ही नहीं? यहाँ सब जानते हैं कि तुमसे कोई भी शरीफ लड़का शादी करना चाहेगा ही नहीं। इनफैक्ट मेरा असिस्टेंट भी तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा। क्यों रॉनी, शादी करोगे आलिया मैम से? देखा आलिया, रॉनी तो इस सवाल का जवाब भी देना जरूरी नहीं समझता। तो मतलब साफ है तुम्हारी जो ये लाइन है वो तो लगने से पहले ही खत्म हो गई। आलिया बहुत चालाक है। ये दादी प्रज्ञा के साथ क्या कर रही है? इतनी आसानी से हमारी पकड़ में नहीं आ सकती। अरे बेटा तू अपना ख्याल रखना, अब कुछ दिनों के लिए उसे कुछ मत बोलना, बात ही ना करना, हो सके तो उससे दूर ही रहना। बेटा वो पागलपन में पता नहीं क्या कर बैठे, मैं अभी तक वो दिन नहीं भूली जब उसने बुलबुल के साथ। मैं अपना ख्याल रखूंगी ना, आप फिक्र मत कीजिए। अभी जाके दादी से बात करता हूं। दादी, अभी तू इस वक्त क्या बात बेटा, नींद नहीं आई? मेरी दादी मुझसे बातें छुपाने लगेगी तो मुझे नींद कैसे आएगी दादी? मैंने कौन सी बात छुपाई? अच्छा, अगर आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई तो आप मेरी दुश्मन के साथ क्या कर रही थी? देखो दादी, झूठ मत बोल, क्योंकि आप दोनों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आपको ऑर्डर दे रही है, आप पर गुस्सा कर रही है। आप दोनों को देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक माँ अपनी बेटी से बात कर रही है। हाँ, कर रही थी मैं बात जैसे माँ बेटी से करती है। पर क्यों दादी? तो क्या करती, तू तो हर बात से बेफिक्र है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मुझे कोई फिक्र नहीं? आलिया की शादी की बात। तुझे तो याद तक नहीं है कि बहन की शादी भी करनी है। तुझे तो एहसास तक नहीं है कि जवान बहन का घर में बैठना कैसा होता है। इसके लिए उससे बात करने की क्या जरूरत थी? आप ये बात मुझसे भी कह सकती थी ना। ओ पुत्र, हर बात नहीं बोली जा सकती। तू जानता है ना, सारे घर में उसी का फैसला चलता है। तेरी और तनु की शादी तक उसने रोक दी है, और उसकी इजाजत के बगैर हम आलिया की शादी कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मैं उसको विनती कर रही थी कि वो आलिया के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढे। उसकी इज्जत करूंगी, उसे प्यार से बोलूंगी, तभी तो वो आलिया की शादी के लिए राजी होएगी और फिर अपनी पोती की खुशियों के लिए। अगर मैं उसके सामने झुक गई हूँ तो क्या हुआ? दादी, आलिया के लिए ना उसके सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैं परेशान था, मैं बिजी था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, आई विल हैंडल एवरीथिंग दादी। मैं जानती हूँ बेटा, तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, पर मेरे लाल तू मुझे भी तो गलत मत समझना। मैं जो कर रही हूँ अच्छे के लिए कर रही हूँ। उस प्रज्ञा ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया दादी। दादी अब प्लीज उससे बात मत करना। आलिया बदल चुकी है, जिस प्रज्ञा को मैं पसंद करता था वो बदल गई दादी।
अब सिर्फ आप ही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ दादी। अगर वो प्यार और भरोसा चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा दादी। अब मुझे आज एक प्रॉमिस दो, वादा करो कि आप मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी, कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगी। अब मैं क्या करूं, सच बोल नहीं सकती और झूठा वादा कर नहीं सकती। प्रॉमिस मी दादी, हे सच्चे पातशाह, मैंनु माफ कर दे। मुझे नहीं आना, बहुत जरूरी काम है, मेरे साथ चलिए, इट्स एन ऑर्डर। हाँ तो मैं भी जरूरी काम में ही हूँ, मैं नहीं आ सकता। नहीं नहीं, मेरा जरूरी काम आपके जरूरी काम से ज्यादा जरूरी है, चलिए मेरे साथ। मैं कहा ना कि मैं नहीं आने वाला। अरे एक इम्पोर्टेंट स्पॉन्सर का वीडियो कॉल आया, वो डील फाइनल करने से पहले आपसे बात करना चाहता है, आप बात नहीं करेंगे तो उसकी डील कैंसिल हो जाएगी। कौन सा मुझे पैसे मिलने वाले या मेरा लॉस होने वाला है? यू जस्ट वेट, मुझे दादी से कुछ जरूरी बात करनी है। दादी आप प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए। आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे आप सो जाइए, चलो। एहसान नहीं कर रहे, कहाँ है आपका। अब मुझे समझ आया प्रज्ञा रोज अपने आप को कैसे संभालती होगी। मैं तो एक ही दिन में अभी के सामने जज्बाती हो गई और वो उसके कमरे में रहती है, वो कैसे अपने जज्बातों पर काबू पाती होगी। ओह माय गॉड, ये आलिया, भैया मैंने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन ये आलिया कहीं पे भी नहीं मिली मुझे। यार ये लड़की भी ना, इतनी सी बात उसको बर्दाश्त नहीं होती। प्रज्ञा ने कुछ कह दिया, उसका गुस्सा हम पे निकाल रही है। भैया मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो गुस्से में अपने आप को कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। ढूंढो उसे और रोको उसे, क्योंकि इस बार अगर उसने कोई भी बेवकूफी की ना तो मैं जिंदगी भर के लिए उसके नाम पर ऐसी चौकड़ी लगा दूंगा। अगर वो मर गई ना तो उसके नाम पे वैसी ही चौकड़ी लग जाएगी। भैया मैं आलिया का फोन, आलिया कहाँ हो तुम? लेकिन आलिया मेरी कब क्या, आलिया मेरी बात तो सुनो तुम। वो इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? अरे पागल हो गई है। अरे पागल वो बचपन से, हुआ क्या वो बताओ। दिल्ली गई है। दिल्ली? आलिया ने एक किलर हायर किया है जो प्रज्ञा पे दशहरे के दिन अटैक करेगा और प्रज्ञा हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब। लेकिन आलिया को दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी, अब वो वहाँ पे होगी और यहाँ पे प्रज्ञा को कुछ भी होगा तो इल्जाम हम पे आएगा। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, इतनी सेल्फिश है वो। अब मैं प्रेगनेंसी में जेल कैसे जाऊंगी? अरे यार ये बात बात में रोना बंद करो पहले। आंसू आते नहीं, आंखें निचोड़ निचोड़ के आंसू निकालती रहती हो। पहली बार जिंदगी में तुम्हारी दोस्त ने कोई समझदारी का काम किया। वो कैसे? अभी इस वक्त घर में सब लोग ये जानते हैं कि प्रज्ञा और आलिया में 36 का आंकड़ा है। अगर प्रज्ञा को कुछ हो जाता है तो इल्जाम किस पे जाएगा? आलिया पे। आलिया यहाँ पे है नहीं, आलिया दिल्ली में। तो वही तो कह रही हूँ मैं। मैं भी कह रहा हूँ कि रावण के साथ साथ प्रज्ञा भी मरेगी। इल्जाम किसी पे नहीं जाएगा, ना आलिया पे ना हम पे। तुम्हारी तो रास्ता क्लियर है, तुम्हारी शादी अभी से हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी अभी के नाम वापस से हो जाएगी, फिर मैं और आलिया दोनों मिलकर के वापस से उसकी कंपनी में फ्रॉड करेंगे, सारा पैसा अंदर। मतलब दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करने का टाइम आ गया है। का है कॉल? कॉल का है? आएगा ना अभी, अभी कॉल आएगा। कहाँ आएगा? फोन पर आएगा, टीवी पर आएगा, रेडियो पर आएगा, लैपटॉप पर आएगा। लैपटॉप? लैपटॉप पे फोन आएगा। लैपटॉप का है ना, मैं लेकर आती हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।
कॉल का है? लॉगिन तो कीजिए, लॉगिन करेंगे तो कॉल आएगा। लॉगिन हो गया, कॉल का है? क्या करूं, किससे बोलूं फोन करने के लिए? पूरब से कहती। नहीं नहीं, वीडियो कॉल में तो फेस भी दिखता है ना। ए भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, हो सके तो आप ही कॉल कर दीजिए। काय कॉल? व्हाट्स द कॉल? वो आप टाइम देखिए ना, यूएस में सुबह हो रही है ना। बॉसर तो यूएस का ना, तो नाश्ता तो करेगा ना, तो ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद कॉल करेगा। इसका मतलब अभी तक उसने कॉल नहीं किया, और अगर उसने कॉल नहीं किया तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम जानती हो कि कितनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी दादी के साथ। मुझे लगा बात तो कभी भी हो सकती है। तो कॉल भी तो कभी भी हो सकता है, और तुम्हारा स्पॉन्सर है, तुम बात करो, मैं क्यों बात करूं? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कॉल, अरे बात कीजिए, कॉल आए। थैंक गॉड मैं बच गई, लेकिन ये वीडियो कॉल किसका आ गया?